सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड फिल्मों का रिलीज से पहले लीक होने का सिलसिला जारी है। दंगल, उड़ता पंजाब, सुल्तान जैसी और कई फिल्में रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई थी और अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम भी जुड़ गया है। रेमो ने वेबसाइट को बताया, मेरे बिल्डिंग के जिम ट्रेनर विट्ठल मेरे पास आए और कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें टॉयलेट एक प्रेम कथा का फर्स्ट हाफ है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसने मुझे इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। तब मैंने उसे कहा कि जल्दी मुझे वो पेन ड्राइव ला कर दो। रेमो ने आगे बताया कि जब मैंने वो पेन ड्राइव खोला तो मेरे होश उड़ गए। उसमें सच में फिल्म थी। मुझे लगा कि अगर यह पेन ड्राइव और लोगों तक पहुंच जाए तो फिल्म के मेकर्स के लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं भी एक फिल्म मेकर हूं और मुझे पता है कि रिलीज होने से पहले अगर फिल्म लीक हो जाए तो उसका क्या नतीजा होता है। रेमो ने बताया कि मैंने अक्षय को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल लंदन में रीमा कागती की फिल्म गोल्ड की शूटिंग कर रहे हैं, जिस वजह से मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। रेमो ने उसके बाद तुरंत फिल्म की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा को फोन किया और सारी बातें बताई। यह सुनकर प्रेरणा हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत डायरेक्टर श्री नारायण सिंह को मेरे ऑफिस भेजा। मैंने पेन ड्राइव श्री नारायण सिंह को दे दिया है। रेमो ने बताया कि उन्हें अभी तक क्राइम ब्रांच ने नहीं बुलाया है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।